बीएड जो शुरू होने जा रही है उसके रिगार्डिंग, उसके जो क्वेश्चन थ्योरी पेपर होने हैं उसके क्वेश्चन के आंसर के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सर सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन के सभी पॉइंट्स प्रोवाइड करवा दो, कम्युनिटी एंड रिलीजन के इम्पैक्ट ऑन रल, सब कुछ मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। ऑलरेडी मेरी बुक में इतना डिटेल है, थक जाओगे कि सर थर्ड काउंसलिंग के बारे में वीडियो बना दो। अच्छा बना देता हूँ। सर पंजाब यूनिवर्सिटी के बीएड ते बीए दे प्रीवियस ईयर दे डेट शीट कोई आइडिया दसो, पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए बीएड दी, सो दैट असी उस दे अकॉर्डिंग एडिशनल पेपर फिल कर सकिए। मैं कोशिश करता हाँ मिल जाएगी, मैं कोशिश कर लेना है। सर कॉमर्स वाले स्टूडेंट नू इलेक्टिव इंग्लिश दा एडिशनल पेपर देना है या इंग्लिश कंपलसरी दा, कोई भी क्वेश्चन अडी देना है पेपर, वो इलेक्टिव दा ही होना है, जनरल पंजाबी दा जनरल इंग्लिश दा कोई पेपर नहीं हुंदा, और गवर्नमेंट जॉब च एलिजिबिलिटी इलेक्टिव इंग्लिश दी देखी जानी है। सर ये पेपर पंजाबी लैंग्वेज विच आउंदा है? यस। जिहड़ा पंजाबी यूनिवर्सिटी दा भी पंजाबी च आउंदा है, गुरु नानक दा भी आउंदा है, और पंजाब यूनिवर्सिटी दा भी आउंदा है। मैं एक बारी फिर भी कंफर्म करके गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के दे पेपर मैं उत्ते ही पा दांगा। डियर सर बीएड दी प्रीवियस डेट शीट करवा दो, दस दो कि पेपर विच छुट्टियां किनिया आंदियां हैं। बीएड दी प्रीवियस डेट शीट तुसी यूनिवर्सिटी जरूर दसो, मैं तुहानू दस रहा हाँ जदों भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो यूनिवर्सिटी मैनशन हर हालत से जरूर पूछनी है, नहीं तो एक वीडियो मैंने इस ते कढ़ना पैना है कि क्वेश्चन किस तरह पूछना है। सर ऑल GNDU बीएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कितों डाउनलोड करने हैं? नहीं मिलेंगे, मैं प्रोवाइड कर दांगा सारे, एक दो वीडियो ही जां PDF जो भी है इस दे मिल जाएंगे, बस तुसी इस तरह मैनू दस दे रहो। प्लीज़ फर्स्ट सेमेस्टर की फीस बताएं, सेकंड काउंसलिंग में सीट मिल गई है। सर प्लीज़ फर्स्ट सेमेस्टर की फीस तो कॉलेज वाइज राजे वेरी कर रही है ना, नॉर्मली जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी 80,000 है, तो एक सेमेस्टर की 20 बनी, टोटल 20 एक सेमेस्टर की, तो आधी पे करनी है, 10,000 हो गई। सर आपकी बुक कौन सी है? दिखा देता हूँ वो भी, अंडरस्टैंडिंग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में आपको बुक्स पता ही है, आपने पढ़नी है। मेरे सर पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की भी है वैसे, पंजाबी की भी है, लेकिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नॉर्मली सारी फॉलो कर रही है। वो जो पब्लिशर हैं वहाँ उस तरफ नहीं जाते, सभी मिल जाएंगी आपको, जो चाहिए मिल जाएगा। सर पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला दी हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस बता दो, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं क्लियर। पंजाब यूनिवर्सिटी का पटियाला हिंदी की पैडागोजी ऑफ हिंदी का बीएड का बीए का किसका सिलेबस कह रहे हो ये नहीं पता हुआ। सर आप सभी नोट्स के पॉइंट प्रॉपर प्रोवाइड करोगे, सब कुछ मिल जाना है, डोंट वरी। सर ये पेपर पंजाबी विच भी आएंगे? यस आएंगे। सर ये पेपर पंजाबी विच भी? यस पेपर पंजाबी विच भी आएंगे। नेक्स्ट है दूसरी, प्लीज़ सर रिक्वेस्ट है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एनुअल एडिशन पेपर का कोई प्रोसेस बता दो। एडिशन पूरी वीडियो इस पर निकाली है, एनुअल एडिशनल का पेपर। अच्छा आप 8427454843 पर बात करो मेरे से कल वर्किंग आवर में, तभी पूछ के ना उसी वक्त बता दूंगा आपको। थर्ड काउंसलिंग च जा सकते हैं, मेरी एक बार फिर गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई किया चाहनी सी ते एंड मेरे रूरल एरिया दे मार्क्स नहीं काउंट होए, मैं उस दी मेल कीती सी। सर मैनू दस्यो कि थर्ड काउंसलिंग च सेफ है साडियां, थर्ड काउंसलिंग देखो थर्ड काउंसलिंग होएगी, पिछली बार दे बेस ते दस रहा हाँ कि थर्ड काउंसलिंग विच जिहड़े एलिजिबल बच्चे ने जिन्हां ने टेस्ट दिता होया है उहनां दी डायरैक्ट एडमिशन मैरिट बेस ते सीधा कॉलेज ने कर लेनी है, कोई भी डरन दी गल नहीं है। सिर्फ डरन दी उत्थे गल है जिथे बहुत घट सीटां है जां कॉलेज फिल हो चुका है, बहुत पॉपुलर कॉलेज है उत्थे हाँ डरन वाली गल है, वो फिर तुहानू सैकेंड होर कोई ते चॉइस करनी पएगी। सर ये गवर्नमेंट कॉलेज विच एडमिशन होवेगी या प्राइवेट कॉलेज विच? सिर्फ प्राइवेट कॉलेज विच मैनेजमेंट कोटा हुंदा है। सर जिन्हां दा एंट्रेंस टेस्ट दिता होया है ग्रेजुएशन दा रिजल्ट लेट है कि मैनेजमेंट कोटा च एडमिशन लैनी होए तां 2600 रुपये देने पैणगे फिर तो? यस ये यूनिवर्सिटी नॉर्म है, तुहानू 2600 रुपया पे करना ही पैना है। सर जिन्हां ने एंट्रेंस टेस्ट दिता है उन्हां दी फीस देनी है? नहीं, जिन्हां ने एंट्रेंस टेस्ट दिता है वो मैनेजमेंट कोटे की कोई फीस नहीं देंगे। मैंने प्राइवेट कॉलेज अलॉट होया है बट मैं एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज च लेना चाहती हाँ, सो ये मैरिट देखनी पेगी। तुसी उस कॉलेज की कट पॉइंट देखो, कट पॉइंट जे तुहाडे बिल्कुल नज़दीक है तो
एक अद्धी सीट खाली रहिंदी है तो प्रोबेबिलिटी है, जिवें अज एक फोन आया सी कि गवर्नमेंट कॉलेज विच लास्ट सीट 70 ते गई है, तो उन्हां दा जिहड़ा रैंक है 55.5 सी, है ना। तो जे एक सीट भी खाली रहिंदी है तो प्रोबेबिलिटी इन्हां नूं मिलन दी गवर्नमेंट कॉलेज वध जांदी है। सो इट डिपेंड करता है कट पॉइंट ते तुहाडे मार्क्स किन्ने ने। थर्ड काउंसलिंग कदों स्टार्ट होएगी, 2 दिन रिपोर्टिंग दे 8 है, उस तो बाद थर्ड काउंसलिंग सिद्धी हो जानी है, कॉलेजों विच ही जाना है तुसी। सर मैनू फर्स्ट काउंसलिंग विच गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला मिली सी, मेजर सब्जेक्ट मैथ है, बट उत्थे सब्जेक्ट हिंदी नहीं सी, इसलिए शिफ्टिंग कराने लई सैकेंड काउंसलिंग विच फिल की सी। मैनू प्राइवेट कॉलेज मिल गया है, हुण मैनू समझ नहीं आ रही रहा कि मैं की करां, मैं गवर्नमेंट कॉलेज दी लवां। देखो तुसी सोचना की है, सोचना यह है कि तुसी कंपीट किहदे लई करना चाहुंदे हो। जेकर एक सीट लई कंपीट करना, गवर्नमेंट जॉब लई, मान लो मैथ सब्जेक्ट लई ही कंपीट करना चाहुंदे हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज चले जाओ। जे तुहानू है कि ते तुहाडे लोकल है, है ना, जे तुहानू जिहड़ा प्राइवेट कॉलेज महंगा है प्लस दूजा सब्जेक्ट भी पैंदा है, कि दूसरा सब्जेक्ट तुहानू जिहड़ा जॉब वाला मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी मिल गया है, तो फिर जे तुहाडा 30-40 हज़ार का फर्क, मान लो 30 हज़ार का फर्क पै रहा है, है ना, तो फिर मेरे ख्याल विच वो लै लेना चाहिए है हिंदी वाला। जेकर क्यों, क्योंकि जे तुसी गवर्नमेंट कॉलेज विच कर ली है, बाद च तुसी हिंदी का अडिशनल देना है, अडिशनल देन च मान लो 10 तो 15 हज़ार रुपया तुहाडा लगा, और प्लस 1.5 साल भी लगना है, 1.5 साल की भी कीमत है। ये सारिया चीज़ों को कैलकुलेट करके चलो, दुचित्ती विच नहीं है, कुछ चीज़ तो छड़नी पैनी है ना, छड़ना जिहड़ा सीख गया वह तर गया। सर मैं कोई कॉलेज अलॉट नहीं होया, फस्ट काउंसलिंग कट ऑफ 58 सी, सैकेंड काउंसलिंग 70 SC कैटागरी की, कोई बात नहीं थर्ड काउंसलिंग मिल जाएगा, क्योंकि 10-15-20% सीट्स खाली रहनिया ने। मैं ये बार बार कह रहा हाँ, जो पॉपुलर कॉलेज है जल्दी फिल होने वाला, सीटा घट है, उत्थे हो सकता है कि सीट ना मिले, अदरवाइज मिल जाएगी। मैं सैकेंड काउंसलिंग प्राइवेट कॉलेज अलॉट है, फैमिली कंडीशन ठीक, सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन लेना चाहिए है, सर मैं करना चाहिए, प्लीज़ सर दस दो। मैं गल नहीं समझा, सैकेंड काउंसलिंग प्राइवेट कॉलेज अलॉट होया है, फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, सर कॉलेज चेंज हो सकता है, मैनू प्राइवेट तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है जी? नहीं, हुण नहीं मिलेगा, तुहानू तां मिल सकता है कि तुसी थर्ड काउंसलिंग विच जे डायरेक्ट हुंदी है तो गवर्नमेंट कॉलेज जे ओपन करता है और तुहाडी सीट ते कैटागरी दी, उत्थे मैरिट च अपीयर हो, क्योंकि तुहाडे ऑलरेडी मैरिट च ज़्यादा मार्क्स होने हैं, तो उत्थे तुहानू सीट मिल जाएगी, जे गवर्नमेंट कॉलेज सीट खाली बचती है और जे गवर्नमेंट कॉलेज ओपन सीट नूं भरना चाहुंदा है तां तुहानू मिल सकती है, जा सकते हो। फिर सर मैनू कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होया थर्ड काउंसलिंग विच, थर्ड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करो आराम नाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ETT दी तेई हो गया है, ETT दी हजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर मैं जिस कॉलेज में प्रेफरेंस फिल की रही सी, उन्होंने SST दी लास्ट सीट 65 ते गई है, जनरल पंजाब कोटा, मेरे 84 मार्क्स ने, मैनू फिर अलॉट नहीं हुई। तुसी ईमेल कर दो और तुहानू सीधे कॉलेज भी संपर्क कर सकते हो, सीट मिल जाएगी, जे प्राइवेट कॉलेज है तो ऐसे तरह ही सीट मिल जाएगी, तुहानू रख लेंगे, प्राइवेट वाले तो यार तरले करते फिरते हैं। सर आई डिडंट गैट अलॉटमेंट एनी सीट इन एनी कॉलेज इन सैकेंड काउंसलिंग, वट शुड आई डू? तुहानू यू शुड वेट फॉर थर्ड काउंसलिंग, इन थर्ड काउंसलिंग देयर विल बी अ डायरैक्ट मैरिट बेस्ड एडमिशन वैन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विल डायरैक्ट द कॉलेजिज, ओके, on the basis of given criteria given by Guru Nanak Dev University Amritsar, you should appear to the college in which you want to get the admission, easily mil jayegi, don't worry. Next hai State College of Education Patiala is good, yes bahut acha college hai. Sir I didn't get a lot, ho chuki baat. Sir mere entrance test 74 marks hai, mere State College of Education Patiala vich admission lena chahundi ha. मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, पर मैनू सैकेंड काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट हुई है, प्लीज़ मैनू थर्ड काउंसलिंग की वेट करनी चाहिए है। देखो तुसी स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटियाला एडमिशन लेना चाहते हो, थर्ड काउंसलिंग भी तुसी
ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਕੱਟ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 74 ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 73.3 ਤੱਕ ਸੌਰੀ 75 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ SC ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 1,25,000 ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ SC ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਕਾਰਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਿਲਣੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਸੀਟਸ ਜੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਆਈ ਗੋਟ ਸਿਲੈਕਟਡ ਰੀਜਨ ਗੁੱਡ ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ ਹਾਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਥਰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ 80 ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀ ਬਟ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਥਰਡ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੁਝ ਬਸ ਥਰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਾਜ਼ੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ ਮੂਵੀ ਫਰੋਮ ਸਰ ਕਲਾਸਿਸ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ 2023 ਬੈਚ ਦੀਆਂ 11 ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਤੇ 11 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਆਪਕੀ ਬੁੱਕ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੂੰਗਾ ਡੇਟਸ ਐਂਡ ਇਸਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ BEd ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਓਕੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ 80 ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਓਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਸੀਟ ਐਂਡ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਨਿਊ ਬੈਚ BEd ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਨਿਊ ਬੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਸ 11:30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਲੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੈਂਕ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ